नमस्ते भाइयों, आज हम पीपी एंटरप्राइज कोलकाता में दिखाने वाले हैं निचा मशीन सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की पूरी रेंज। पीपी एंटरप्राइज मात्र ईस्टर्न जोन का एकमेव ऑथोराइज डीलर है निचा सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का। यहाँ पे ओरिजिनल निचा फैन वाइंडिंग मशीन और उसके साथ साथ सारे पार्ट्स और सारी डाइज मिलती हैं। आज हम यहाँ पे मिलते हैं झवार जी से, पीपी एंटरप्राइज के मालिक, जो हमें निचा की मशीनरी सीलिंग फैन वाइंडिंग की सब खूबियाँ और बाकी सारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आज हम क्या दिखाने वाले हैं सर? अगर आज हम तो इनका पूरा फंक्शन समझा रहे हैं, किस तरह ये मशीन काम कर रहा है और कितनी अच्छी क्वालिटी और कोयल जो बनती है, इतनी सुपर क्वालिटी कोयल बनती है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। मशीन मेंटेनेंस फ्री है और मशीन के अंदर में डाइज भी सब स्टील की देते हैं। इसके साथ में 3 सेट स्टील की डाइज मिलती है और सब स्टील की 12, 14, 16 तीन किस्म की, बाकी की हाई स्पीड अलग से लेनी पड़ती है। इसमें डाई लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर की रेंज किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 बोल्ट खोल देने के बाद में ये आप यहाँ आराम से डाई लगा सकते हो हाथ से, इतना इजी और सुपर, और 2 सेकंड में डाई लग जाती है। क्या एक आधी डाई सर हम फिट करके दिखा सकते हैं वहाँ से? ये हम बता रहे हैं आपको, डाई फिट करके भी बताएंगे। इनका ये मशीन है जोर वाला मशीन, दिखाओ। ये से डाई स्पीड हो जाती है, बाकी मशीनों की तरह नहीं है। और इसी बात से हम देख रहे हैं, अब हमें जवाब जी समझाएंगे बाकी मशीनों के फीचर्स। सर, इसकी मशीन और बाकी मशीन में क्या डिफरेंस है सर? सर, ये मशीन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। सब डाइज आपको स्टील की मिलती है, जिससे आपको सोलर स्टील की डाइज है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगी डाइज आपको, डाइज में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर, कलकत्ता की लोकल मशीन और दिल्ली की लोकल मशीन में और इसमें क्या डिफरेंस है सर? इनकी मोटर जो होती है कॉपर की होती है, बिजली खपत भी कम की है इसमें, और कलकत्ता की लोकल जो मोटर मशीन आती है उसकी मीटर और मोटर दोनों में प्रॉब्लम होता है। उसमें वी बेल्ट से चलती है और वी बेल्ट से चलने से उसकी स्पीड कम बेसी हो जाती है। जब वी बेल्ट आपका ढीला हो जाता है तो स्पीड कम हो जाता है, और उसमें 10-5 का आपको ज़्यादा चला जाता है। ये मशीन में क्लच मोटर दी हुई है, इसके अंदर में जितने पाक में बांधोगे उतने पाक में ही रुकेगी, जिससे आपका तार वेस्टेज नहीं होगा। और इसमें तार कटने का भय भी बहुत कम की है, क्योंकि इनकी जो स्टील की डाइज है वो इतनी चौड़ी है कि तार प्ले करने के लिए इजी जगह मिलती है। आपकी मशीन और लोकल मशीन की डाइज में क्या डिफरेंस है सर? लोकल डाइज जो आती है सर लोहा की आती है, उसमें निकल जाने के बाद में वो तार कटने का भय ज़्यादा हो जाता है, और उसका ये पोर्शन बहुत पतला है जिससे तार फिसलने का भी डर रहता है। ये मशीन डिजिटल है, ये भी डिजिटल है, ये इकोनॉमिकल मॉडल है, इसमें प्लेट पे बनाया हुआ है, ये एक तो डोर साथ में दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि डोर में आप कुछ भी रखना हो तो रख सकते हो। इसके अंदर में प्लेट मॉडल है, दोनों में फंक्शन दोनों का सब कुछ एक ही है। खाली ये प्लेट मॉडल है, ये डिजिटल मॉडल में आपको डोर वाला दिया है। इनका और एक मॉडल भी हम लोग का आता है, वो आपको पूरा अलमीरा वाला मॉडल भी आता है, जो भी आपको इसमें अलमीरा में सब कुछ सामान रख सकते हो। इसमें एक महर मशीन में कितनी सेट डाइज मिलती है सर? इसमें 3 सेट डाइज मिलती है, 12, 14, 16, 12 से आप 18 का भी काम कर सकते हो। सर, इसके बारे में बताइए। सर, ये हैंड वाली मशीन है, ये एकदम फ्री घूमती है। इससे आपको क्या, जहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम हो या जिसको कम काम होता है तो उसके लिए ये इकोनॉमिकल मॉडल होता है। इसमें भी वही डाइज रहेगी, वही सेम चीज रहेगा, खाली मीटर मोटर से नहीं चलेगा। क्या आप एक मशीन हमें चला के दिखा सकते हैं? हाँ सर, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जैसे ये मशीन के अंदर में ये आपको रीसेट करके करने का बटन है, इसमें 0 हो गया, ये बीप बीप हो रहा है, मैंने अभी रिवर्स में चलेगा। ये यहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है, ये स्टार्ट किया है। आप जितने टर्न में बांधोगे उतना टर्न में रुकेगा, एक भी टर्न आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ये बीप बीप होने से रिवर्स से फॉरवर्ड में चला गया, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड में चलेगा, ये ऑटोमेटिक होता है। यदि आपको रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक नहीं करना है तो आप मैनुअल में भी आ सकते हो, जिसमें एक साइड ही काम होगा। जैसे मैं अभी बटन दबा दे रहा हूँ, ये आपको खाली अभी बीप बीप बंद हो जाएगा, तो अभी खाली रिवर्स जितनी बार घुमाओगे रिवर्स में घूमेगा, एक ही साइड घूमेगा। सर, एक एक मशीन में कितनी सेट डाइज आप देते हैं और कौन सी डाइज आती है? सर, मैंने बता दिया, ये आपको सेटिंग कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये कम करने के लिए। इधर में और एक तो स्टार्टिंग के लिए स्विच दिया है, यदि ये स्विच खराब होगी तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो,
इसमें मीटर और मोटर दोनों का वारंटी रहता है, तभी भी कुछ होगा तो हम लोग को भेजने से हम लोग फ्री रिप्लेसमेंट कर देते हैं। सर क्या क्या डाइज मिलती है इसमें, क्या क्या साइज की? और सर ये एक्स्ट्रा हाई स्पीड डाइज के बारे में और एक चीज बता दे रहा हूँ मैं सर, इसमें हाई स्पीड डाइज भी मिले, अलग से लेनी पड़ती है। जो 6 कोयल और 8 कोयल आती है वो अलग से लेनी होती है, उसका प्राइस एक्स्ट्रा रहता है। सेकंड चीज, हमारे यहाँ पंखे के लगते सब सामान मिल जाएगा आपको, जैसे कि ये वाला हुआ, ये मोटर कोयल वाइंडिंग हुआ, उसके बाद में हाथ से घूमने वाला हैंड ग्राइंडर हुआ, ये भी आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और हमारे यहाँ से जो पार्टी माल लेता है उसको एकदम फ्रेश माल इसलिए मिलता है कि हमें डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से घर में माल आता है और क्वांटिटी में आता है, तो माल में कोई डैमेज नहीं रहता है, माल एकदम फ्रेश मिलता है। सेकंड चीज, हमारे नज़दीक में ही कॉपर का तार, आपका चिप, सब कुछ मिलता है, तो जब भी आपको वो भी चीज़ चाहिए तो उसका भी हम लोग बगल में हमारा नज़दीक में मार्केट हम दिखा देते हैं, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। हम ये पंखे की साफ खोलने की और घुसाने वाली और बेरिंग भी खोलने की और घुसाने वाली हाइड्रोलिक प्रेस भी बनाते हैं। इसके अंदर में 5 टन का जेक लगा है, ऐसा 10 टन का भी हेवी में आता है, तो ये माल भी आपको इसमें कोई हाइड्रोलिक प्रेस का हिसाब से इतना इजी ऑपरेशन होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता और बेरिंग और स्पिंडल दोनों खुल जाता है। सर दुर्गा पूजा और दिवाली आ रही है, उसके बाद पंखे की सीजन शुरू होगी, दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? अभी तो कास्टिंग और स्टील का भी दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, नहीं तो जो दाम है अभी वही दाम है। अभी हम लोग ऑफ सीजन का हिसाब से रीजनेबल प्राइस में मशीन ऑफर करते हैं, हमारे यहाँ से जो मशीन लेगा उनको सब तरह की सुविधा मिलेगी। ओके, तो हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हैंड कॉन वायरिंग मशीन से लेके सारी रेंज, कंप्लीट रेंज मिली जाती है यहाँ पे। सर आप लोग कौन से स्टेट में सप्लाई या कौन से कंट्री में आप लोग माल डिलीवर करवाते हैं? हमें बांग्लादेश भी भेजते हैं और इंडिया में भी भेजते हैं, श्रीलंका भी भेजा हुआ है मशीन, ऐसे सब जगह पे ऑल ओवर ईस्टर्न रीजन में हम लोग सब जगह। सर नियरेस्ट स्टेट्स में कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? सर नियरेस्ट स्टेट में बिहार हुआ, झारखंड हुआ, आसाम हुआ, उड़ीसा हुआ, सभी जगह हमारी मशीन चलती है और ऑल पीपल आर वेल सेटिस्फाइड विद द मशीन क्वालिटी। सर क्या आप ऑथोराइज डीलर हैं निक्सा मशीन के? सर हम ऑथोराइज डीलर हैं और हमें डायरेक्ट मशीन बेचते हैं हम लोग। और इसके सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है? इसका सब पार्ट्स अवेलेबल है, हम लोग स्टॉक में रखते हैं, कभी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन भी सर्विस देते हैं। जी धन्यवाद। और जैसा कि साथ हम इसके साथ देख रहे हैं यहाँ पे सारे पार्ट्स सब कुछ मिल रहा है, मीटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिला जाता है, फॉर्मा हो गया, सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। हाई स्पीड की डाइस भी आपको 36-24 की मिल जाएगी मात्र केवल पीपी एंटरप्राइज पे। और अब जैसा कि इन्होंने कहा दुर्गा पूजा दिवाली आ रही है और सीजन शुरू होने वाला है पंखे मशीन का।